जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहली चीज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी होता है। इसके अलावा ITI क्लियर होना भी जरूरी है, या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में से किसी एक सब्जेक्ट में डिप्लोमा होना चाहिए, और जिस इंस्टीट्यूट से ये डिप्लोमा किया जाए वो AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरा है एज लिमिट। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए एज लिमिट 18 साल से 28 साल तक होती है, और रिजर्व्ड कैटेगरीज को इसमें छूट भी दी जाती है। और अगर बात करें असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है, तो RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट से जुड़ी अधिसूचना निकालती है, जिसमें बताए गए एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जैसे स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। आगे बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसी के साथ CBT के दोनों लेवल पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ये दोनों लेवल CBT 1, CBT 2 क्लियर करने के बाद ही CBAT में अपियर हुआ जा सकता है। CBAT क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर इन स्टेप्स का ध्यान रखें। जहाँ तक सैलरी की बात है तो असिस्टेंट लोको पायलट को लगभग 20,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। इसके अलावा DA यानी कि डियरनेस अलाउंस और HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जैसे बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और एक्सपीरियंस बढ़ने पर सीनियर लोको पायलट बन जाने पर आपकी सैलरी 55,000 से 60,000 पर मंथ हो जाती है। क्या बात, सैलरी सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्टिंग अक्सर ग्रुप सी के तहत होती है, और रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP की पोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेन चलाने से जुड़े सभी ऑपरेशंस को सही तरीके से हैंडल करने में लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की हेल्प करता है। असिस्टेंट लोको पायलट सिग्नल भेजने से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां निभाता है और लोको के सही तरीके से काम करने पर नजर रखता है। इसी के साथ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्या चैलेंज होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब बहुत ही चैलेंजेस वाली होती है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट को ड्यूटी टाइम से भी ज्यादा काम करना पड़ता है। ये टाइम कई बार 12 से 14 घंटे का भी हो जाता है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर में भी लगातार ट्रेन चलाने में हेल्प करना, वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटी भी आसानी से नहीं मिल पाना, ऐसे में छोटी छोटी दिखने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल करना और पेशेंस रखते हुए अपना काम अलर्ट और एक्टिव रहते हुए लगातार करते रहना असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट की ड्यूटी होती है, यानी कि काफी ज्यादा केयरफुल रहना होता है। असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब के चैलेंजेस जानने के बाद में अब बात करते हैं कि इस जॉब के बेनिफिट्स क्या है। कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि भाई हमारे लिए फायदे वाली बात कौन सी है, आइए जानते हैं। रेलवे हॉस्पिटल में असिस्टेंट लोको पायलट और उसकी फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। असिस्टेंट लोको पायलट और उसकी फैमिली को ट्रैवल करने के लिए प्रिविलेज पास मिलते हैं, जिनमें लंबी दूरी तय की जा सकती है। असिस्टेंट लोको पायलट को स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों के लिए ईयरली ट्यूशन फीस भी मिलती है, और अगर बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट के जॉब एरिया से 50 किलोमीटर की लिमिट से ज्यादा दूरी पर है हॉस्टल में रहते हैं तो इसके लिए हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाती है। हर साल सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट होता है। साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस यानी कि DA दिया जाता है। स्पोर्ट्स में एक्टिव रहने पर स्पेशल हॉलीडेज भी दिए जाते हैं, तो काफी सारे फायदे भी है। तो अगर आप बहुत सारे बेनिफिट्स और कुछ प्रॉब्लम से घिरी असिस्टेंट लोको पायलट की इस जॉब को पसंद करते हैं तो जमकर की तैयारी कीजिए और एग्जाम क्लियर करके ये पोस्ट हासिल कर लीजिए। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी होगी कि आपकी ये जॉब बहुत ही जिम्मेदारी से भरी है, क्योंकि हर दिन आपको अपनी ट्रेन की सारी सवारियों को सुरक्षित स्टेशन पहुंचाना होगा। इसलिए पेशेंस जरूर रखें। असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट बनने से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार भी साबित होगी। तो आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। कोई भी आपका सजेशन है, आपकी तारीफें हैं, कमेंट्स है, प्यार है, आइडियाज है, आप सब कुछ हमें बता सकते हैं। और आगे किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें लिख दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने का। तब तक के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है और वो है कि पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। और इसी के साथ अगर कोई आपका दोस्त है जिसे जरूरत है इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन की, तो प्लीज आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।